आज के टॉक में मुझे खुद को बहुत मजा आया बिकॉज मैंने जो यूनिकनेस जो रही थी एनिमल्स में वो आज देखने मिली फर्स्ट। तो बहुत ही क्यूट है बट इट्स वेनोमस। What's up everyone, it's your boy Mirza Nais and welcome back to the another vlog। तो तीन हफ्ते हो गए भाई साहब, व्लॉग कहाँ पर है? तो कहानी कुछ इस तरह की है कि आई एम क्विटिंग द यूट्यूब। चुप हो जा सातवीं फेल। जस्ट जोकिंग। एक्चुअली कैसा हुआ था कि पास्ट थ्री वीक्स से आई मीन गणपति अप्पा जाने के बाद आई वॉज फेसिंग सम स्किन प्रॉब्लम्स। तो मुझे यहाँ पे और पूरे बॉडी पे रैशेज आए थे, देन दाद आए थे। तो दो से तीन हफ्ते लगे उसे ठीक होने को। तो आई वॉज फेसिंग दैट प्रॉब्लम्स और मैं डीमोटिवेट भी हो गया था कि मेरा यूट्यूब ग्रो नहीं हो रहा है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देन इतने एफर्ट्स उठा रहा हूँ, फिर भी इतना ग्रो नहीं हो रहा है, मतलब क्यों? आई मीन मैं थोड़े दिनों से बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहा था कि मतलब छोड़ दूँ चैनल, क्विट कर दूँ सब, बट नहीं। मैंने मेरे पास्ट वीडियोज़ में देखा कि कैसे मैंने इम्प्रूव किया है, अभी इम्प्रूवमेंट हो रही है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, बट क्या, आई गिव माई बेस्ट। तो अपने को बेस्ट देते रहना है। तो वो हो गई एक बात। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि नवरात्रि चालू हो गई है, आज फर्स्ट डे नवरात्रि का। एंड ये 9 डेज में बहुत सारी हैप्पीनेस होने वाले हैं, बहुत सी खुशियाँ बटने वाले। तो इस टाइम गरबा का तो कुछ पता नहीं होगा कि नहीं, बट या ठीक है। तो आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा मैं कुछ वियर्ड दिख रहा हूँ एकदम, मतलब यहाँ से पूरी घास फूस बढ़ी हुई है ये सब। तो सोच रहा थोड़ा ग्रूमिंग पे भी ध्यान दूँ। तो अभी मैं फिलहाल तो जाने वाला बब्बू भाई के पास हेयर कट करवाने। देन एक फ्रेंड मिलने वाला है मुझे, राज नाम है उसका। वो कुछ मुझे अमेजिंग पेट दिखाने वाला है जो कि एकदम थोड़ा यूनिक टाइप का पेट है, कुत्ता बिल्ली ये सब नहीं है। तो उसको भी मिलेंगे। अभी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ, बोला मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जा तू। तो वो पेट देखेंगे हम कैसा है, एंड लेट्स सी हाउज माय रिएक्शन, क्योंकि वो बोला कुछ यूनिक है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। सबसे पहले मुझे निकलना है बब्बू भाई के पास, तो लेट्स गो। ओके, तो करंटली भी बिल्डिंग के नीचे हूँ। एंड बाय द वे ये मेरा फ्रेंड है राज, ये इसका फर्स्ट टाइम मैं ला रहा हूँ व्लॉग में, और ये एक टाइप का फोटोग्राफर है। आई मीन कौन से फोटोग्राफी करता है तू? वाइल्ड लाइफ एंड पोर्ट्रेट। तो वाइल्ड लाइफ एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता है। तो अगर आपको ऑर्डर देना हो कुछ तो इसे दे सकते हो, मैंने दोनों के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इंस्टाग्राम के। तो फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं खार, तो वहाँ जाके पहले मुझे हेयर कट करवाना है। उसको तेरी ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उनको पहले ही फ़ोन करके कहा है कि मेरा नंबर लगे रखो, टाइम पास होना नहीं मांगता है, क्योंकि अपने को बहुत से काम निपटाने हैं। और भाई कुछ यूनिक पेट दिखाने वाला है मुझे, अमेजिंग होने वाला है। रिवील मत कर। तो मुझे कुछ वो यूनिक पेट दिखाने वाला है, तो मैं भी उसके लिए एक्साइटेड हूँ। उसने कुछ नाम बताया बट मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या है। तो लेट्स सी अभी आगे व्लॉग में क्या होता है। तो आज पूरा टाइम मैनेज करना है। और बात करें मौसम की, तो अक्टूबर हीट इज़ नाउ किलिंग में ऐसा लग रहा है मुझे, बिकॉज जो गर्मी हो रही है भाई अलग लेवल की है। देख लो क्लाउड्स, वो अच्छे लग रहे हैं बट जो हीट मार रही है क्या ही बताओ। तो चलो लेट्स सी आगे क्या होता है। और मुझे लग रहा है मास्क चेंज करने की ज़रूरत लगेगी, बिकॉज ये मैंने कल लिया था फॉर अबाउट आधे घंटे के लिए यूज़ किया, देन मैंने रख दिया था, तो लगेगी शायद से गरज। ओके, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ओके, तो करंटली मैं अभी पप्पू भाई के सलून के सामने हूँ। अच्छा है, आज कोई गर्दी नहीं है। एंड पप्पू भाई बैठे है। पप्पू भाई अच्छा, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? एकदम मस्त भाई, बहुत टाइम बाद। और वह हमारे समीर मार सस्ते वाले तो भाई हेयर कट कर रहा हूँ। तो ये सलून, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक ब्लॉग बना के रखा है, आप लोग चेकअप कर सकते हो। मैंने ऊपर आई बटन में भी देख के रखा है। एंड चलो भाई आप है ना? हाँ भाई। तो मैं पहले सेटअप करके लेता हूँ, देन आप लोग टाइमलेस एंजॉय करो, देन मिलते हैं आगे। ओके, तो सोच रहा मैं बाल ऐसे रख दूँ, ये नीचे का जो लेयर है थोड़ा यूनिक रहेगा, तो क्या बोल रहे रख देंगे भाई, कोई देखेगा नहीं अपने पास फिर यार, आपकी घटना में जगह बोले क्या बात है। आपको अच्छा लगेगा, सब सही लगेगा। बट बाय द वे ये जो फेड आपने मारा आपके हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है, तो और काम बाकी है, तो देखते आगे। सब काटो, वाल काटो, मैं मेरा चालू रखता हूँ।
ओके तो एज यू कैन सी मेरा बाल बहुत बड़ा हो गया था, मैंने ये कहा था, और डैंड्रफ देख सकते हो आप लोग, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो पूरा डैंड्रफ पूरा नीचे बढ़ा हुआ है। तो हेयर प्रॉब्लम्स बहुत फेस कर रहा था मैं, तो अभी सोच रहा हूँ बाल छोटा कर दूँ। अभी जैसे आप लोग देख सकते हो फेड भी बहुत अच्छा किया भाई ने, तो अगर आप लोग को भाई का वर्क अच्छा लगा होगा तो आप लोग विजिट करो यहाँ पे, फुकट में प्रमोशन कर रहा हूँ। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how this is dope. Ek number pe tumhara ye time unke man se kiya hai jo bhi kiya hai, hum apne man se kiya hai bhai ka baal. तो ये टाइम मैंने कुछ फेड दिखाने था कि कैसे काटना है। देखो भाई एकदम मस्त फेड दिया भाई को, एकदम मेरे को डैंड्रफ पे वो बात अलग है, बट जो भाई ने फेड मारा है ऑसम मारा है भाई, एक नंबर काम किया भाई ने, मेरे मन से नहीं आपके मन से काटे वाले भाई, दिस इज डो परफेक्ट भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर ओके तो हेयर कट अपना हो गया है, बहुत ऑसम लग रहा है, और सूट जो हो रहा है तो ये जो मैंने घास फूस थी जो अपने घर की खेती है वो काट दिया है, तो अभी थोड़ा ग्रूमिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो अभी मुझे स्किन का भी थोड़ा ट्रीटमेंट करवाना है, तो उसके लिए भी वेटिंग। तो थैंक यू सो मच भाई, एक आदमी का ये थैंक यू सो मच बोला मैं तीन बार, गजब बेइज्जती है। ओके तो हो गया अपना हेयर कट, तो अभी तू कौन सा पेज दिखाने वाला भाई, तूने अभी तक बताया नहीं मेरे को, क्यों सस्पेंस क्यों, मतलब शाम को समझेगा, उसको पैसा तो दे देने दे भाई, बाल कटने दे। तो चलो भाई मैं आता हूँ, चलो भाई थैंक यू सो मच, चलो भाई भाई देव आपका नाम क्या है, क्रिश क्रिश क्रिश, चलो सलमान मैं आता हूँ, मैं मिलते थोड़े थोड़े में और आने वाला हूँ ऑफिस में, चलो सोच रहा हूँ कुछ नया करूँ, चलो आता हूँ। ओके तो अपना हेयर कट हो गया है, और शायद से मैं मास्क अंदर ही भूल गया, नहीं नहीं मेरा मास्क है मेरे पास, इसके ऊपर ही बाल लग गए, तो चलो ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे, पहले मैं घर पे आता हूँ फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है तो मैं पहले जाऊँगा फ्रेश होके आता हूँ, देन ये जो पेट लेके आने वाला है बहुत तरसा के रखा है भाई ने मुझे, यार बता रहा ही नहीं है, मतलब नाम रिवील नहीं कर रहा, एक बार बताया था बोलता है वो भी गलती से बताया, तो मिलते अभी आगे ब्लॉग में, अभी पहले मैं घर पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे शूट करने मिलेगा नहीं बिकॉज पूरा गली गली का पूरा एरिया है, तो लेट्स सी यू आगे। ओके तो गाइस अभी अभी घर पे आ रहा हूँ, बाहर गर्मी क्या बताऊँ आप लोग को, मैं इतना हीट है कि क्या बताऊँ, पूरा स्किन जल रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे, अभी लग रहा था कि स्किन फट जल के फट जाएगा, तो अभी फ़िलहाल मैं नहा के लेता हूँ, ठंडे पानी से मैं शॉवर लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश फील हो जाएगा, देन जो बाल चक चिपके वो भी निकल जाएगा, और मैं सुबह से नहाया भी नहीं था, डायरेक्टली वहाँ पे गया था, तो गया था मैं एक्चुअली उठ गया था मैं 11 बजे नाश्ता है और करके फिर ब्लॉग चालू करके, अभी बज रहे समथिंग 2 बजने का है, तो अभी मैं सब कंप्लीट करता हूँ मेरा जो काम है, मतलब नहाना है नॉल, तो उसके बाद आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते, सो मिलते थोड़े टाइम बाद, खाना भी ना खा के लेता हूँ, फिर मिलते अपन, ठीक है बाय। 3 days later ओके तो तभी कुछ 2 या 2:30 बज रहे थे, तभी मैंने सब मेरा लेक्चर ऑल अटेंड किया, देन खाना खा के लिया, तो अभी कुछ 5 बजने के लिए है, तो अभी टाइम आ गया उसके यहाँ जाने का, तो जो राज है वो अभी अपने को पेट दिखाएगा, एक्चुअली उसके दोस्त का पेट है बट वो कुछ यूनिक है, तो उसे देखते अभी और एंजॉय करो आप लोग भी, कैसे बताना मुझे, सो लेट्स सी, और मेरे भी क्या रिएक्शन देंगे मुझे खुद को नहीं पता, सो लेट्स गो एंड सी क्या होता है, सो मिलते हैं डायरेक्टली उसके घर पे, लग बाय। ओके तो मैं राज के फ्रेंड के घर पे अभी करंटली, उसका नाम करण है, तो अभी वो नीचे गए, तो थोड़ी देर में आएगा और अपने को दिखाएगा स्पाइडी, आई मीन उसका नाम DN है, ओके एक टैलेंट टूल है, और ये भाई ने मुझे अभी बता दिया कि वो टैलेंट टूल है, बहुत टैलेंट टूला बहुत टैलेंट टूला, तो एक्चुअली इसका जो क्या बोलते इसको एनक्लोजर मतलब जहाँ पे वो रहता है वो पूरा उसने होममेड बनाया हुआ है, ये उसको ऑक्सीजन आने के लिए जगह है, और ये अपना टायर एंड टूला
और इसने कुछ दिन पहले उसकी स्किन छोड़ी, देखो यहाँ पर देख सकते हो। स्पाइडी था अभी आपने देखा, उसका नाम डीएनए और टेरेंटोला जो दिखा है मैंने, वो ये मिलवर्म्स खाता है और ये ज़्यादा करके हाई प्रोटीन में रहते हैं और इसकी कुछ साइकिल चलती रहती है, क्यूपा से बैटल, फिर बैटल से मेट करके वो एग्स देके ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे लोग की साइकिल है। तो ये क्यूपा और उसके कका दे फीडर आपको, एंड ये है मिलवर्म्स। ओके तो ये ओल्ड सैन ऑल खाते हैं और जो लापसी बोलते हैं मराठी में उसके, उसका जो रहता है मटेरियल उससे वो भी खाते हैं वो लोग। तो ये जो डीएनए आप लोगों को दिखा है मैंने, आई मीन टेरेंटुला, वो फीड उसके फीडिंग के लिए है। ओके तो ये स्पाइडर बहुत यूनिक है, इसका नाम क्या है एक्चुअली? बता जा शानदार जी। अगर ये काट लिया तो भाई सीधा कोमा, पैरालाइज। क्या माना थे और भाई के पास पहले इग्वाना भी था, अभी कुछ नया लेके आ रहे क्या भाई तुम? अभी अल्बाइनो स्नेक, सीधा सांप। और इसने यहाँ पे मुझे वेब लगा दिया थोड़ा बहुत, तो बहुत ही क्यूट है बट इट्स वे ना मस्त, कुछ कर नहीं सकता अपन, काटता भी नहीं हो जाता नहीं काटता, उसकी शेडिंग से फुली टेम्ड, उसकी शेडिंग से थोड़ा कुछ क्या बोलते स्क्रैचिंग आ सकता है, दोनों भी फोटोग्राफर है बट ये कॉम्बिनेशन है फोटोग्राफर प्लस एनिमल लवर ना। तो ऊपर भी उसने बर्ड्स का केज एंड ऑल रखा था, तो मैंने वो दिखाया नहीं कि थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था उसको इसके लिए। So let it be, but this is dope. Okay, तो आप लोगों ने पूरे ब्लॉग में देखा अभी जो स्पाइडर देखा आप लोग को, मैं आई मीन टेरेंटुला, तो कौन सा देखा था बाहर का गोल्डन किंग टेरेंटुला उसका नाम है, गोल्डन किंग किंग के डबल की, ओके गोल्डन की टेरेंटुला नाम ही था डेंजर, एक बार बोला था भाई मेरे को याद नहीं और मुझे पता नहीं था कि यही देगा सस्पेंस में, बट लेट इट बी, बहुत औसम था, बहुत डोप था। तो उसके थ्रू मुझे उसके डैड मिले, तो उसके डैड ने मतलब मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी बर्ड्स के बारे में, और डैड तो उससे भी ज़्यादा एनिमल लवर है, बहुत फुल किलर थे तभी, अभी तो वो जरा शांत हो गए। तूने नोटिस किया क्या अपन यहाँ पे घूम रहे? हाँ मौसम देख, अरे यार ये बारिश का तो रोज का नखरा हो गया अभी देख रहे हो, हल्का हल्का बारिश चालू है, बट आज के ब्लॉग में मुझे खुद को बहुत मज़ा आया बिकॉज मैंने जो यूनिकनेस जो रहती है एनिमल्स में वो आज देखने मिली फर्स्ट टाइम। तू तो देखते रहता है भाई, तू तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है भाई। हम लोग वाइल्ड लाइफ है पर वो मेरे से भी गए है, मेरे को भी उसके जैसा बनने का जरा ट्राई चालू है। थोड़े टाइम पहले आते थे तो इग्वाना मिलता था, बट इग्वाना होलसेल सेल कर दिया। हाँ वो शॉर्टेज हो गया ना थोड़ा, केज उसका शॉर्ट होने लगा इसलिए सोचते सेल कर दिया भाई एक बार। तो
आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मैं इंट्रो सॉरी आउट्रो बाहर बना रहा हूँ, तो जरा एडजस्ट करके लो बिकॉज अभी बारिश गिरेगी और मुझे जिम जाना है फटाफट, इसके लिए भागते हैं। थोड़े दिनों में हम लोग इगुआना भी एक्सप्लोर करेंगे, देख लेना मिलेगा कोई ना कोई इगुआना वाला, पर्शियन कैट तो लाने ही वाले, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। मतलब सब्सक्राइब करके रखो पहले ही, अभी अगर आप लोग नए व्यूअर देख रहे हो तो। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। साइनिंग आउट ऑफ मिर्जा नेक्स।